अगर शांति की इच्छा है तो पहले इच्छाओं को शांत करो। आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल जोश जहान में। आज हम बात करने वाले हैं पीस ऑफ माइंड के ऊपर, मन को शांत कैसे करें। सफलता जहां आज जरूरत बनती जा रही है, वही शांति इंसान की समस्या बन रही है। हजारों लाखों रुपए हो जाते हैं एक नॉर्मल इंसान के पास, पसंद की गाड़ी, बंगला, सुंदर वाइफ, हस्बैंड सब मिल जाता है। अगर स्टूडेंट हो, सही दिशा में मेहनत करते हो तो अच्छे मार्क्स, टॉप कॉलेजेस में एडमिशन, फिर पास होने पर अच्छी नौकरी, ये सब मिल जाती है। नहीं मिलता तो मन की शांति। इस वीडियो में आप वो तीन शानदार ट्रिक्स जानने वाले हो जिससे कुछ हद तक आप अपने मन को शांत कर सकते हो। चाहे आप मैच्योर हो गए हो या फिर यंग एज के स्टूडेंट हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इसलिए बिना मन को भटकाए, इधर उधर की बातों को इग्नोर करके इस वीडियो के एक एक बातों को सुनना और समझने की कोशिश करना। नंबर वन, चेंज व्हाट यू कैन चेंज, बदल दो उसे जिसे आप बदल सकते हो। बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो आपके मन की शांति को भंग करती है, उसे बदलने की कोशिश करो। जैसे आप पढ़ रहे हो, उस समय कोई आकर आपको डिस्टर्ब करता है तो या तो आप उससे ये कह सकते हो, देखो यार मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश मत करो, मेरे करियर से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है, तुम खुश रहो या नाराज बट प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। वो इंसान समझदार होगा तो वो तो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन अगर दूसरे टाइप का होगा तो आप खुद उठकर दूसरे जगह चले जाओ। प्यार मोहब्बत करते हो, कोई बार बार इग्नोर कर रहा है, बात करना चाहते हो लेकिन उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, उसकी वजह से फ्रस्ट्रेट हो गए हो, दिन रात उसी का ख्याल आ रहा है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उसके ख्याल को रोका जा सके, उसकी बातों को इग्नोर किया जा सके, मन को उस इंसान से थोड़ा सा अलग कर लिया जाए, अकेला हो जाया जाए? ऐसा हो सकता है मेरे दोस्त, अगर करना चाहोगे तो बिल्कुल हो सकता है, और इससे आपके मन की शांति थोड़ी कम होगी। दूसरे को खुश करने से अच्छा है खुद को अकेला कर लिया जाए, कम से कम दूसरों से उम्मीद तो नहीं रहेगी। मन की अशांति में एक और चीज आता है जिसे आप चाहो तो चेंज करके, कंट्रोल करके रिलैक्स फील कर सकते हो, करियर प्लस सिचुएशन। हमारा दिमाग दिन भर में 5-10 बार तो ये जरूर सोचता है कि आगे का फ्यूचर कैसा होगा, क्या मैं सफल हो पाऊंगा, मेरी बीवी कैसी होगी, मुझे जॉब कैसा मिलेगा, कितना पैसा कमाऊंगा, घर मेरा बन पाएगा या नहीं, क्या मैं अपने दोस्तों से पीछे रह जाऊंगा या फिर उससे आगे निकल पाऊंगा। इस तरह की हजारों थॉट हमारे ब्रेन में डेली आता है जिसे चाहकर भी हम नहीं रोक पाते हैं, लेकिन क्या एक्चुअल में इस तरह के थॉट को रोका या फिर इग्नोर किया जा सकता है? अगर रियलिटी में देखो तो कुछ भी चेंज कर पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं। आप मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, डीप ब्रीदिंग, इन सब चीज की प्रैक्टिस करके अपने थॉट को कम कर सकते हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है आपको समझना होगा, अवेयर होना पड़ेगा और ये जानना होगा कि मेहनत से ज्यादा और समय से पहले कुछ भी नहीं मिलता। अगर मिल भी जाए तो ज्यादा दिन तक हमारे पास नहीं रहता, तो यार फ्यूचर को लेकर परेशान क्यों होना, जो होगा वो देखा जाएगा, मुश्किलें आएगी डटकर सामना करेंगे, अगर हमारे पास नॉलेज है, समझदारी है तो जीवन में कुछ ना कुछ तो ढंग का जरूर कर लेंगे, तो फिर फ्यूचर की बात को लेकर परेशान क्यों होना। और भी बहुत चीजें हैं जो आप बदल सकते हो, अपनी थॉट प्रोसेस को बदलो, अपनी आदतों को बदलो, अपने बिहेवियर को बदलो, और सबसे बड़ी बात बेचैन नहीं होना है। सारी सिचुएशन तो आपके कंट्रोल में होगी नहीं, और नहीं आप अपने फ्यूचर को अभी बदल सकते हो, इसलिए समय का इंतजार करो, वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। बस आज आपको बदलनी है तो अपनी आदतें, या फिर आज आपको वो चीज बदल देना है जो आपके मन की अशांति को भंग करता है। नंबर टू, एक्सेप्ट व्हाट यू कैन नॉट चेंज, जो आप नहीं बदल सकते उसे स्वीकार करो। हवाओं का रुख बदल सकते हो या फिर दिन को रात या रात को दिन कर सकते हो? नहीं ना। वैसे ही बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसे हम चाहकर भी नहीं बदल सकते, जैसे हमारे आसपास या फिर हमारी फैमिली में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी एक्टिविटी को हम नहीं बदल सकते। वो आपके बारे में जो सोचते हैं वही सोचेंगे, जो आपको बोलते हैं वो बोलेंगे ही, आप चाहकर भी उनको बदल नहीं सकते। आपके भाई बहन है जिसे आप हजारों बार समझा चुके हो कि यार मेरे साथ ये मत करो, ये एक्टिविटी मुझे पसंद नहीं है, थोड़ा सा चेंज हो जाओ, थोड़ी देर के लिए वो आपकी बातों को मान लेगा लेकिन 1-2 घंटे बाद फिर उसकी एक्टिविटी वैसी ही होगी। इसलिए स्वीकार करो जो आप नहीं बदल सकते। दोस्तों को बदलने की कोशिश करने लगते हो, रिश्तेदार तुम्हारे अनुकूल चले इसके लिए बार बार ट्राई करते हो कि वो चेंज हो जाए, और सबसे बड़ी बात अपने सिचुएशंस, अपनी परिस्थिति को अचानक बदलने के बारे में सोचने लगते हो कि कैसे भी करके हमारी गरीबी, पैसों की तंगी कम हो जाए। ये तब तक नहीं होगा जब तक आप या आपकी फैमिली मेंबर में कोई अच्छी पोजीशन पर नहीं चला जाता। तब तक वेट करो, उसे सोचकर बार बार खुद को क्यों परेशान करना। रास्ते में चल हो, ट्रैफिक पर जाम लग जाता है, कहीं किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई आपस में झगड़ा कर रहा है, इन सब चीजों को तो आप नहीं बदल सकते हो ना, तो फिर क्यों दूसरों के लिए अपने माइंड को टेंशन देना। याद रखो, मन में हजारों चीज भर कर जियोगे तो कभी मन भर नहीं जी पाओगे। एक्सेप्ट करो जो आप बदल नहीं सकते। तीसरा और सबसे मेन पॉइंट, रिमूव योरसेल्फ फ्रॉम ए सिचुएशन दैट यू कैन नॉट एक्सेप्ट। खुद को उस जगह से हटा लो जहां होना आपको अच्छा नहीं लगता। खुद को वैसे लोगों से दूर कर लो जो आपके लायक नहीं है, वैसे लोगों को छोड़ दो जो आपकी वैल्यू, आपका कदर नहीं करता। मान लो कहीं झगड़ा हो रहा है और आप जाकर उससे झगड़े को छुड़ाने लगते हो, संयोग से उसी में किसी इंसान से आपको तू-तू मैं-मैं हो जाता है, तो यार उससे अच्छा है कि हम खुद को उस सिचुएशन से ही दूर कर ले जो हमारे लायक नहीं है, उससे क्यों हमें मिलना, क्यों हम उससे कनेक्ट
प्रोटेक्टेड रहें, उनसे दूर हो जाना ही अच्छा है। नहीं तो उनकी बातों को हम सुनेंगे तो हमारे माइंड में असर पड़ेगा, निगेटिव बात करेंगे और निगेटिव बात हमारे दिमाग में जाएगा तो एक अलग तांडव मचाने लगेगा। इसलिए वैसे लोगों से दूर हो जाओ जो आपके लायक नहीं है। जैसे मेरा सिद्धांत है कि मैं वैसी जगह पर बिल्कुल नहीं रुकता जहां फालतू की बातें होती है, वैसे लोगों से खुद को साइड कर लेता हूं जो दूसरों की बुराई आकर मेरे पास करते हैं। वैसी बातें मैं जरा सा भी पसंद नहीं करता जो मेरे गोल से मेरी लाइफ से कनेक्टेड नहीं होता, उस बात से मैं खुद को दूर कर लेता हूं। कहने का मतलब है आप भी अपने आसपास ऑब्जर्व करो, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्या मैं उससे दूर हो सकता हूं, क्या मैं उसे बदल सकता हूं। अगर ऐसा लगता है तो आप खुद को वहां से अलग कर लो, हमेशा खुश रहोगे। और मन की शांति के लिए सबसे बड़ी चीज है कि खुद को वैसी जगह से हटा लेना चाहिए जहां हमारा मन नहीं लगता, जिस चीज को हम एक्सेप्ट नहीं करते। क्योंकि अगर जबरदस्ती हम वहां रहते भी हैं तो हमारे दिमाग में एक कंट्रोवर्सी होगा कि उसकी बातों को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, और जब एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा और मन में बार बार वो बात रिपीट होगा जिससे हमारा मन अशांत होगा। इसलिए वैसे लोगों को अपने से दूर कर दो या फिर खुद वहां से दूर हो जाओ, हमेशा खुश रहोगे। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तीनों पॉइंट को मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। चेंज व्हाट यू कैन चेंज, बदल दो उसे जिसे आप बदल सकते हो, चाहे वो कोई सिचुएशन हो या फिर कोई लोग हो। नंबर टू, एक्सेप्ट व्हाट यू कैन नॉट चेंज, स्वीकार करो जिसे आप नहीं बदल सकते, चाहे वो कोई फैमिली मेंबर हो या फिर अचानक अपनी सिचुएशन को बदलना हो। इन सब चीजों को अगर आप नहीं बदल सकते तो उसे एक्सेप्ट करो। नंबर थ्री, रिमूव योरसेल्फ फ्रॉम ए सिचुएशन दैट यू कैन नॉट एक्सेप्ट, खुद को उस जगह से हटा लो जहां रहना आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, या फिर वैसे लोगों से दूर हो जाओ जो आपके अनुकूल नहीं है, आपके लायक नहीं है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और शेयर करो हर उस इंसान के पास, आपके फैमिली मेंबर में या फिर आपके दोस्तों में, जिनका मन बहुत ज्यादा अशांत रहता है। शायद इस वीडियो से उनको कोई हेल्प हो जाए। और ऐसे ही जीवन में खुशी के साथ, शांति के साथ आगे बढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।